नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लाडवा में एक निजी पैलेस के अंदर लाडवा हलके के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा की ओर से पन्ना प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लाडवा हलके के विधायक डॉक्टर पवन सैनी कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी नायाब सिंह सैनी सहित अनेक भाजपा के बड़े नेताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। सबसे पहले भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं लाडवा हलके के विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी यदि कोई है तो वह है भाजपा। उन्होंने कहा कि आने वाली 23 मई को एक बार फिर पूरे समर्थन के साथ दोबारा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। डॉक्टर साहब, एक बताइए, जैसे कि आज लाडवा के अंदर ये पन्ना प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है, हमारी पार्टी ने हमारी वोटर लिस्ट है, हमारे वोटर लिस्ट के जितने पन्ने हैं उसके हिसाब से हमने प्रमुख बना रखे हैं। और ये यानी पूरे देश भर में, पूरे हरियाणा में भी सब विधानसभा क्षेत्रों में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ है। आज उसी कड़ी में लाडवा विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन अभी जा रहा है और मेहमान का पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो है दोपहर बाद है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने अपने पन्ने की जिम्मेदारी लेकर के 12 तारीख को भारी संख्या में भाई नायब सोनी जो हमारे लोकसभा के उम्मीदवार उनको जिता करके नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम। वहीं प्रत्याशी नायाब सिंह सैनी ने कहा कि आज कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो कि कहे कि उन्हें कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ना है। आज कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा भी नहीं है और आने वाले लोकसभा चुनावों में हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर भाजपा अपना कब्जा करेगी और एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को इस देश का कार्यभार संभालने के लिए अनुमति देगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कई भाजपा के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के शुरुआत में कार्यकर्ताओं को टोपी, बिल्ले और पटके भी वितरित किए गए। वहीं पन्ना प्रमुख कार्यक्रम के फॉर्म भी वितरित किए गए। लाडवा से नरेश गर्ग की रिपोर्ट।